हाँ नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई, आप देख रहे हैं युवा टाइम्स। हमारे साथ स्वीटी जी मौजूद है, जो इस बार लव कुश रामलीला में माता सीता का किरदार निभाई है। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वीटी। नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और मैं इस साल लव कुश रामलीला में माता सीता का किरदार निभा रही हूँ। बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए ये। तो क्या तैयारियाँ हैं इस बारे में किरदार? तैयारियाँ तो काफ़ी हो रही हैं और मैंने अपने किरदार के लिए काफ़ी तैयारियाँ करी है। मैंने पहले भी सीता जी का किरदार कर रखा है और जैसे ही एक रामलीला ख़त्म होती है मेरी तैयारियाँ वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस साल, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो गया जब से आदि पुरुष आई है और लोगों का उस पर जो अभी रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारे लिए और चैलेंजिंग है कि हम इतने खूबसूरती से सीता जी का दृश्य दर्शाएँ अपनी रामलीला में कि वो जो शिकायतें हैं वो लोगों को हमारी रामलीला से ना हो। तो उस पर मेरी पूरी कोशिश है और आपको वो ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, दिग्गज अभिनेता गगन मलिक आपके साथ और आपके किरदार में, तो क्या कहना चाहूँगा? हाँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं गगन मलिक जी के साथ इस साल माता सीता का किरदार निभा रही हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं और उन्होंने पहले भी लव कुश रामलीला में ये किरदार निभाया हुआ है, उन्होंने काफ़ी सीरियल्स में ये किरदार निभाया है, हमने खुद उनके किरदार को देखा है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस साल उनके साथ काम करने को मिल रहा है और काफ़ी और दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने को मिल रहा है। अनुभव बताएं कि माता से किरदार के लिए आपको कैसे चुना गया? जी, मेरे पास मेरा डायरेक्ट जो कांटेक्ट था मेरा लव कुश रामलीला से कभी रहा नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले साल अयोध्या की रामलीला करी हुई है, तो शायद उन्हें मेरी भूमिका पसंद आई हो और उन्होंने इसलिए मुझे इस किरदार को चुना है। मैं अर्जुन सिंह जी और जो पवन गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने बड़े किरदार के लिए और इतनी बड़ी रामलीला में ये अपॉर्चुनिटी दी है और मैं कोशिश करूँगी कि इसे अच्छे से निभा पाऊँ। संगीत की दुनिया से भी हो आप, तो संगीत के लिए क्या तैयारियाँ रामलीला में? हाँ, संगीत की दुनिया से हूँ इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इस साल जो सीता विरह है मैंने सोचा है कि मैं उसे लाइव प्रेजेंट करूँ। जैसा उसके बाद जो अभी हमारी कोई चर्चा हुई नहीं है इस बात पे, अगर ये चर्चा में आता है तो मैं ये बात ज़रूर रखूँगी कि जो सीता विरह है वो मैं खुद से करूँ, और भी अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी संगीत के चीज़ों में तो मैं ज़रूर साथ देना चाहूँगी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।